सो गाइज वेलकम टू SMC 360 एंड इस न्यू सीरीज में वी विल कवर द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टॉपिक्स रिलेटेड टू टेक एंड गेमिंग इन जनरल। तो मैं हूं आपका होस्ट गर्व शर्मा एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले तो गाइस जितने भी लोग BGMI के रीलॉन्च को लेके खुश हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, दिल थाम के बैठिए क्योंकि हो सकता है ये गेम फिर से बैन हो जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली एक IGN के आर्टिकल से हमें पता लगा है कि CAIT ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT को एक लेटर लिखा है जिसमें इन्होंने इस गेम को एक थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी बताया एंड बोला है एलिजिडली कि ये गेम चाइना को इंडियन कंज्यूमर्स का डेटा भी लीक कर रही है। अब देखना यह है कि इफ दिस थिंग चेक्स आउट देर आर ह्यूज चांसेस कि ये गेम फिर से बैन हो जाए, क्योंकि जिन लोगों को याद है PUBG मोबाइल भी इसी कारण की वजह से बैन हुई थी। तो गाइस आप लोगों में से जितने भी लोग वेट कर रहे हैं GPU प्राइसेस का नीचे होने का, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। अब NVIDIA एंड AMD के साथ साथ Intel भी GPU की रेसेस में भागने की कोशिश कर रहा है। रूमर्स से दैट Intel इज करंटली वर्किंग ऑन देयर DG1 Iris Xe सीरीज ऑफ GPUs, जिनके कुछ बेंचमार्क लीक्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि अभी आपके स्क्रीन पर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा FPS नहीं है, दिस सीम्स टू बी अ बजट सेगमेंट कार्ड। एंड अगर इस GPU की लॉन्च प्राइस 15-20K के बीच में होती है तो एक बजट गेमर्स के लिए बहुत बड़ा बूम हो सकता है। एंड अगर हम 1080p पे एग्जैक्ट बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे Forza Horizon 4 के अंदर हमें देखने को मिल जाता है 62 FPS, Injustice के अंदर देखने को मिल जाता है 60 FPS जो कि लॉक्ड है, Overwatch के अंदर हमें देखने को मिल जाती है 83 FPS, Fortnite के अंदर 151 FPS एंड बाकी सारे के सारे आपके स्क्रीन पर होंगे। कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक इसका प्राइस रेंज क्या रहने वाला। तो गाइस इसी के साथ साथ हमें एक और खबर आती हुई दिख रही है, द सो कॉल्ड विंडोज 11 हैज बीन लीक्ड ऑन द इंटरनेट। इसके बहुत सारे रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे ऑनलाइन एंड यूट्यूब पर, बट सतर्क रहें, सावधान रहें, इस विंडोज को डालने के बाद अगर आपके पीसी में कोई भी प्रॉब्लम आता है यू वोंट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम विंडोज, दिस इज व्हाट अ माइक्रोसॉफ्ट स्पोक्सपर्सन सेड इन अ रीसेंट इंटरव्यू। बट हाँ, इफ यू गाइस स्टिल वांट टू यूज इट, व्हाट आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू डू इज दैट क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन योर पीसी, डाउनलोड VMware और वर्चुअल बॉक्स, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूज एनी ऑफ दोस टू सॉफ्टवेयर्स, वर्चुअल एक VMware बनाओ, उसके अंदर अपनी विंडोज 11 इंस्टॉल करो एंड यू कैन एक्सपीरियंस द विंडोज 11 फॉर द फर्स्ट टाइम एट योर ओन रिस्क। तो गाइस इसके बाद आज की लास्ट न्यूज जो खबर हम आपके लिए लेके आए हैं, हो सकता है कि GPU के प्राइसेस अगले 3-4 महीने में फिर से नॉर्मल हो जाएं, MSRP पे आपको कार्ड्स देखने को मिल जाएं, बिकॉज NVIDIA ने कर दिए हैं अपने लॉन्च LHR लो हैश रेट सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड, यानी कि 3070 Ti एंड 3080 Ti वोंट बी बॉट और होल्डेड बाय माइनर्स एनी मोर। सरल भाषा में ये ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ और सिर्फ गेमर्स के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई माइनर इन कार्ड्स को ले भी लेता है, इन कार्ड्स के अंदर ऑलरेडी आपको एक सॉफ्टवेयर लेवल का नर्फ देखने को मिल जाता है जो कि हैश रेट को बहुत ही बुरे तरीके से कम 50% कम कर देता है। तो इसी वजह से माइनर्स के लिए ये कार्ड प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे और उनको माइनिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो गेमर्स, दिस इज अ न्यूज यू शुड लुक आउट फॉर इन द कमिंग फ्यूचर। तो गाइस बिफोर गोइंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कस्टम पीसी बिल्ड कंपोनेंट्स और अ प्रीबिल्ड पीसी, मेक श्योर टू विजिट www.smcinternational, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द बेस्ट प्राइसेस एंड द बेस्ट कंपोनेंट्स। दिस वाज गर्व शर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ।